सीरीज का डेरिवेटिव यदि y बराबर रूट कॉस x प्लस रूट कॉस x प्लस रूट कॉस x प्लस रूट कॉस x अप टू इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है तो आपको डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। तो बच्चों जो इनफाइनाइट सीरीज होती है अगर एक स्टेप देखिए जैसे यहाँ से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है देखिए रूट कॉस x यहाँ से देखिए प्लस रूट कॉस x प्लस रूट अगर इसको हम रोक दें तो ये किसका मान होगा वाई का ही मान होगा क्योंकि अनंत तक गया है। तो जब अनंत तक गया है तो अगर एक पद आप रोक भी दोगे तो उसमें कम तो होगा नहीं वही अनंत तक ही रहेगा यानी कि वाई बराबर अगर है आप ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अब तो सो ऑन इनफाइनाइट अगर ध्यान दीजिए बच्चों इस स्टेप के बाद देखिए यहीं से अगर इसका मान देखिए इसको बोलिए देखिए पहले आप देखिए रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अब तो इनफाइनाइट का मान क्या है वाई अगर जहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई यहाँ से देखिए अब फिर बोलिए रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अब तो इनफाइनाइट का मान क्या है वाई यानी यहाँ के बाद क्या होगा फिर से वही सीरीज स्टार्ट हो गई जिसका मान वाई है हम लोग इसको लिख देंगे वाई बराबर रूट कॉस एक्स प्लस वाई अभी वाई का मान यहाँ रख दीजिए फिर यही आ जाएगा यहीं से देखिए फिर से स्टार्ट हो रही है तो इसका मान क्या है वाई अब देखिए पिछले स्टेप में वाई का मान क्या है रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अब इनफाइनाइट का मान क्या है वाई तो इसके जगह हमने वाई लिख दिया अब क्या करेंगे रूट में है दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं तो वाई स्क्वायर हो गया कॉस एक्स प्लस वाई अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई का होगा डी डी एक्स ऑफ वाई अब डी डी एक्स ऑफ वाई इधर उड़ा लीजिए टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस साइन एक्स तो हो जाएगा टू वाई माइनस वन डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स दोनों तरफ डेढ़ का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा वन माइनस टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई का मान साइन एक्स अपान वन माइनस टू वाई ध्यान दीजिए बहुत ही इजी होता है आप देखिए यहाँ से देखिए रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इसमें कोई पद कम तो हो नहीं जाएगा अनंत पदों तक है आप देखिए रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स टू अनंत है अगर यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से वाई का ही तो मान है तो इसके जगह हमने लिख दिया वाई दोनों पक्षों को कवर कर दिया और आराम से हमने कर लिया। नंबर सेकंड देखिए बच्चों यदि वाई बराबर रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स अप टू इनफाइनाइट आप देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है देखिए वाई बराबर क्या है वाई का मान क्या देखिए रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स अप टू इनफाइनाइट अब आपको डी डी एक्स ऑफ वाई देखिए आपको मैंने बताया कि वाई का मान क्या है रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन अप टू इनफाइनाइट तो अगर हम इसको इस सिस्टम को यहाँ से पकड़ लें तो यहीं से फिर से नई सीरीज हो जाएगी तो इसके जगह क्या लिख देंगे वाई तो वाई बराबर हो जाएगा रूट टेन एक्स प्लस वाई दोनों पक्षों को वर्क कर देते हैं तो वर्क करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष तो वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष वाई का यक्स के सापेक्ष तो टू वाई वाई का यक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ वाई टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स और वाई का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई देखिए वहाँ यहाँ भी देखिए वाई का एक फिर जो है वाई देखिए वाई के सापेक्ष एक फिर वाई का एक्स के सापेक्ष अब इसको इधर बुला लीजिए टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स तो टू वाई माइनस वन डी डी एक्स ऑफ वाई सेक स्क्वायर एक्स तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन यदि वाई बराबर रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स अप टू इनफाइनाइट तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा सिद्ध करना है कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टू वाई मैंने बार बार कहा आपको
कि आप देखिए y बराबर है रूट कॉट x है प्लस रूट कॉट x है प्लस रूट कॉट x प्लस रूट कॉट x, कहां तक है बच्चे? इनफाइनाइट। अब मुद्दा बनता है कि अगर यहां से स्टेप देखिए, यहां से फिर देखिए, यही वाई का ही मान है, देख लीजिए वाई का ही तो मान है, अनंत तक गया है, रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स अप टू इनफाइनाइट, इसका मान क्या है? वाई। तो यहाँ वाई रख देंगे, वाई बराबर हो जाएगा रूट कॉट एक्स प्लस वन, दोनों पक्षों को वर्क कर देते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इधर कॉट एक्स प्लस वाई, x के साथ पे चौकलन करने पर y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dx x ऑफ y, पहले y स्क्वायर का y के साथ पे 2y, फिर y का x के साथ पे cot x का माइनस cos x स्क्वायर x और y का dx x ऑफ y, इधर बुला लेते हैं 2y dx x ऑफ y माइनस dx x ऑफ y बराबर हो गया माइनस cos x स्क्वायर x, तो हो जाएगा 2y माइनस 1 dx x ऑफ y हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स बटे टू वाई माइनस वन, रीड का ऊपर नीचे गुणा कॉसिक स्क्वायर एक्स बटे वन माइनस टू। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट, तो सिद्ध करना डी डी एक्स ऑफ वाई वाई अपॉन वन माइनस वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको ये देखना है कि ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें आपको डेरिवेटिव याद करना है। वाई बराबर आपको दिया गया है ई की पावर एक्स प्लस, यहाँ से नई सीरीज स्टार्ट हुई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ से स्टेप फिर से देखिए वही वाई, इसके लिए क्या लिख देना वाई, तो वाई का मान है क्या? ई की पावर, देखिए वाई का मान देखिए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, तो यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई, तो वाई बराबर होगा ई की पावर एक्स प्लस वाई, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, लॉग वाई बराबर एक्स प्लस वाई लॉग ई, लॉग ई है चूंकि बेस ई है तो इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, अब जानते हो लॉग ई बेस ई का माने, तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि लॉग ई बेस ई अगर है बच्चों तो इसका मान x लेंगे तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x बराबर e, तो e की पावर x बराबर e की पावर 1 हो जाता है, तो x बराबर 1, इसलिए x की वैल्यू log e बेस e का मान 1। हर बच्चा ध्यान देगा, यहां देखिए, यहां देखिए प्लस e की पावर x, यहां से सीरीज स्टार्ट होती है e की पावर x प्लस e की पावर x, इसकी वैल्यू ही है y, यहां से y पावर में चूंकि वेरिएबल है तो log लेंगे, log लेंगे तो x प्लस y log e बेस e दैट इज 1। अब देखिए दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1 अपॉन y dd x ऑफ y, x का एक हो जाएगा y का dd x ऑफ y, अब dd x ऑफ y इधर आएगा 1 अपॉन y dd x ऑफ y माइनस dd x ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 1 dd x ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन y dd x ऑफ y 1, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया वाई अपॉन वन माइनस। पहले इसको देखिए, इसको बोलिए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अब टू इनफाइनाइट, इसका मान है क्या? वाई, वही वाई रख दी। अब देखिए घातांक क्या है, चर है, तो क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं, लॉग वाई मेरा वाई एक्स प्लस वाई लॉग ई, इससे ही जी हो जाएगा, उसके बाद आराम से कर लेंगे, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना। देखिए अगर ध्यान दीजिए साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अब टू इनफाइनाइट का मान क्या है वाई, अगर यहाँ से हम पकड़ लें साइन एक्स, तो यहाँ से बोलिए साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अब टू इनफाइनाइट, और इसी का मान तो है वाई। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही नहीं, देखिए वाई बराबर, देखो फिर से एक बार देखो साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अब टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या है वाई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बोलिए साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अब टू इनफाइनाइट, और इसी की वैल्यू क्या है वाई, तो आप लिखेंगे वाई बराबर, देखिए इसको पहले लिख देंगे, इसको लिखेंगे साइन एक्स की पावर वाई, अब चाहे तो वाई का मान यहाँ रख दीजिए तो यही चीज़ फिर आ जाएगी, वाई का मान यहाँ से रखेंगे तो क्या होगा साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अब टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ ए बी वेरिएबल, ए बी वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है लॉग लेना पड़ेगा, देखिए
बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है, तो लॉग लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ देखिए लॉग एम की पावर एन, तो पावर पहले जाएगा वाई लॉग साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, अब तो इनफाइनाइट का मान क्या है वाई, तो अब देखिए वाई का मान, देखिए वाई का मान क्या है साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अब तो इनफाइनाइट, यहां से स्टेप पकड़िए, देखिए साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अब तो इनफाइनाइट, इसका मान है क्या वाई, तो वाई रख दिए, दोनों पक्षों का लॉग ले लिए, लॉग वाई बराबर वाई लॉग साइन एक्स। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग वाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा वाई इंटू लॉग साइन एक्स में प्रोडक्ट रूल, पहला फलन वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, ध्यान समझिएगा, प्लस लॉग साइन एक्स वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए यहां वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहां देखिए कैसे करेंगे वाई लॉग साइन एक्स में साइन एक्स को टी मानोगे तो लॉग टी का होगा वन अपॉन साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो इधर चला गया इधर आ गया, देखिए लॉग टी का वन अपॉन टी डी डी एक्स ऑफ साइन। अब देखिए यहां कॉमन ले लेंगे वन अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, अब इधर देखिए वाई बटे साइन एक्स और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स बटे वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहां हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटे वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स। आराम से आपका क्वेश्चन हो गया, हर बच्चा बहुत अच्छे से इसको समझे। देखिए साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अब तो इनफाइनाइट का मान क्या है वाई, यहां से देखिए आप इसको पकड़ लीजिए, देखिए साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू है क्या वाई। अब चूंकि यहां देखिए बेस भी जो है वेरिएबल है पावर भी, तो लॉग लेना ही पड़ेगा, लॉग वाई बराबर यहां देखिए पावर पहले आएगा वाई लॉग साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ वाई लॉग साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, और प्लस लॉग साइन एक्स डी डी इधर बुला दिए, उसके बाद आराम से बच्चों ये जो वाई बराबर ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, ध्यान दीजिए पूरा रूट है, ये पूरा है रूट अप टू इनफाइनाइट तक गया है, और डी डी एक्स ऑफ वाई का मान वन अपॉन टू वाई माइनस वन। तो देखिए y बराबर क्या है बच्चों, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स कहाँ तक इनफाइनाइट। अब देखिए यहां से फिर से स्टार्ट हो रहा है, देखिए y की वैल्यू क्या है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अब टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या है y, तो यहां से यहां बोलिए आप रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अब टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वाई, तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा रूट एक्स प्लस वाई। अब दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वाई स्क्वायर का टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स का एक वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर बुला लीजिए टू वाई माइनस वन डी डी एक्स ऑफ वाई एक, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान वन अपॉन टू वाई माइनस वन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, यदि वाई बराबर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अब टू इनफाइनाइट, तो आपको प्रूव करना है x डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई लॉग एक्स। देखिए देखिए ध्यान समझिए रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अब टू इनफाइनाइट का मान क्या है वाई, यहाँ से देखिए अब देखिए क्या है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अब टू इनफाइनाइट का मान क्या होगा वाई, तो देखिए वाई की वैल्यू क्या है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर अब टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ देखिए y का मान क्या है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अब टू इनफाइनाइट, अब यहाँ से यहाँ तक बोलिए क्या बोलोगे आप रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अब टू इनफाइनाइट, इसके जगह क्या रख देंगे y, y बराबर हो गया रूट एक्स की पावर y रूट एक्स की पावर y, या इसको ये भी लिख सकते हैं y बराबर एक्स की पावर y बाई टू, क्योंकि बेटा रूट रहता है तो रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू, तो y में 1 बाई टू गुणा हो गया y बाई टू। अब लॉग ले लेते हैं तो लॉग y बराबर हो जाएगा
लॉग एक्स की पावर वाई बाई टू, पावर पहले चला जाएगा लॉग एम की पावर एम, तो हो जाएगा लॉग वाई बराबर वाई बाई टू लॉग एक्स पावर पहले। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू लॉग वाई बराबर वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करिए, देखिए टू लॉग वाई का टू अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि लॉग वाई का क्या होता है वन अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई लॉग एक्स का वन अपान एक्स प्लस लॉग एक्स वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन लॉग एक्स का वन अपान एक्स प्लस लॉग एक्स वाई का डी डी एक्स ऑफ, इधर बुला लीजिए टू अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा y अपान x। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 अपान y माइनस लॉग x डी डी एक्स ऑफ y बराबर y अपान x। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस y लॉग x बटे y डी डी एक्स ऑफ y बराबर y बटे x, या डी डी एक्स ऑफ y को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर अपान x इन ब्रेकेट 2 माइनस y लॉग x। अब x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ y बराबर y स्क्वायर अपान 2 माइनस y लॉग x। एक बार फिर समझिए, रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x अब टू इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू y, तो हम लिख देंगे y बराबर रूट x की पावर y, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए फिर वही आ जाएगा, और रूट है तो बेटा स्क्वायर रूट है तो पावर में 1 बटे 2 गुणा होगा y बाई 2 a की पावर m की पावर n a की पावर m n इसकी पावर 1 बटे 2 की पावर y है, तो x की पावर y बाई 2, दोनों पक्षों लॉग ले लिए, लॉग y इधर हो जाएगा y बाई 2 लॉग x, दो का गुणा कर दीजिए इधर 2 लॉग y बराबर y लॉग x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2 लॉग y का होगा 2 अपान y डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ y लॉग x का 1 अपान x प्लस लॉग x y का डी डी एक्स ऑफ y, इधर बुला लिए तो 2 अपान y माइनस लॉग x डी डी एक्स ऑफ y y अपान x, LCM ले लिए y, तो 2 माइनस y लॉग x अपान y इतना हुआ, फिर ये गुणा हो गया वाई स्क्वायर अपान एक्स इन ब्रेकेट 2 माइनस वाई लॉग एक्स, आपको ये प्रूव करना था तो एक्स को इधर कर दिया आपका, यही यही आपको प्रूव करना था। अच्छा ध्यान देगा, यदि वाई बराबर एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स अप टू इनफाइनाइट, देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स, फिर से देखिए प्लस वन अपान एक्स, देखिए यहीं से देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स, अब देखिए नए स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स अप टू इनफाइनाइट। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए क्या था एक्स प्लस वन अपान एक्स, तो अभी अगर यही हम वाई रख दें, यहाँ यहाँ वाई लिख दें, तो वाई रख दें तो वाई की वैल्यू रखेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगी, क्योंकि देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या है वाई, तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है बच्चों, तो इसको लिखेंगे वाई बराबर एक्स प्लस वन अपान वाई। अभी वाई की वैल्यू रखो तो क्या आएगा, देखो वाई की वैल्यू रखो तो क्या आएगा एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स अप टू इनफाइनाइट। अब इसको देखिए वाई टू वाई आ रहा है, इसका मतलब वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वन, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वाई स्क्वायर का टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा एक्स वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एक्स का एक वन का जीरो, अब इधर डी डी एक्स ऑफ वाई इधर आएगा टू वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई, यही लाना था। ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग यहाँ से हो रही, देख लीजिए स्टार्टिंग यहाँ से हो रही बच्चों, x प्लस वन अपान एक्स, यहाँ से फिर से देखिए नई सीरीज स्टार्ट हो रही, इसके जगह हमने y लिख दिया x प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई, कभी कभी ऐसे आ जाता है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स का एक इसका माइनस वन अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि वन अपान एक्स का होता है माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो वन अपान वाई का एक्स के सापेक्ष होगा माइनस वन अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वन अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इजक्वल टू वन, इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस वन अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई वन। तो क्वेश्चन से आप समझ जाओगे करना क्या है और डी डी एक्स ऑफ वाई वन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान वाई स्क्वायर अपान
वाई स्क्वायर प्लस वन, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी प्रूव करने के लिए आ सकता है, लेकिन इस तरीके से आया है तो देखिए वाई स्क्वायर टू वाई डीडीएक्स ऑफ वाई, तो टू वाई तभी मिलेगा जब वाई स्क्वायर बनाएंगे, तो चलिए वाई स्क्वायर मैंने बना दिया, टू वाई डीडीएक्स ऑफ वाई वहीं से दिख रहा था, यानी जैसे इधर से भी अगर डिफ्रेंशिएट करिए डीडीएक्स ऑफ वाई एक्स का एक वन अपन वाई का माइनस वन अपन वाई स्क्वायर डीडीएक्स ऑफ वाई इधर बुला लीजिए, तो वन प्लस वन अपन वाई स्क्वायर प्लस वन अपन वाई स्क्वायर, फिर ये गुणा कर दी, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रूफ यही करना था इसलिए मैंने इसको बनाया। एक्स की वैल्यू रखोगे, देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से वाई माइनस वन अपान वाई यहाँ रख दीजिए, तो टू वाई माइनस वाई प्लस वन अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई वाई, तो देखिए टू वाई में वाई है, वाई प्लस वन अपान वाई है, दोनों एक ही, लेकिन अब देखिएगा कि किस तरीके से कि वाई स्क्वायर प्लस वन अपान वाई आया कि नहीं, वही आया ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया वाई स्क्वायर वन वाई स्क्वायर प्लस वन, इसमें ध्यान रखना ये वाई स्क्वायर रहेगा, देखिए माइनस वन अपन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई था, तो देख के ही समझ जाओगे कैसे करना। वाई बराबर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स ऑफ टू इनफाइनाइट है, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ले लो, तो वाई बराबर क्या बच्चों कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स, अब तो इसको करोगे खुद आप कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स अब टू इनफाइनाइट, यही है, अब देखिए हुआ कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स अब टू इनफाइनाइट का मान वाली, अब बताइए एक रोक दीजिए कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स अब टू इनफाइनाइट, इसका मान क्या है वाई, तो इसकी जगह लिख देते हैं वाई बराबर कॉस एक्स की पावर वाई, ये हो गया। अब जानते हो कि यहाँ देखिए वेरिएबल ए भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, तो लॉग वाई बराबर लॉग कॉस एक्स की पावर वाई, पावर पहले चलाएगा लॉग वाई बराबर वाई लॉग कॉस एक्स, अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का होगा वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ देखिए पहला फलन वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, अब इधर भेज दीजिए वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लॉग कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, अब यहाँ देखिए वाई लॉग कॉस एक्स का होगा वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का बच्चों कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, अब यहाँ देखिए वन अपॉन वाई माइनस लॉग कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई टेन एक्स, अब यहाँ वाई एल सी एम लेते हैं तो वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स बटे वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ होगा माइनस वाई टेन एक्स। अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, देखिए वाई को उधर गुणा होगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स बटे वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, अब ऋण के कारण ऊपर नीचे गुणा कर देंगे डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर टेन एक्स बटे वाई लॉग कॉस एक्स माइनस वन, ये लाना ऋण का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, आराम से आप कर सकते हैं, अभी ऐसे साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की है सेम वैसे ही अपन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए बच्चों, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, देखिए सीरीज यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, अभी ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, और यहाँ देखिए वाई स्क्वायर देखिए इधर आएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि वन अपॉन वाई का होता है माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से सीरीज देखिए फिर से स्टार्ट हो रही है, तो इसको लिखेंगे वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई, ध्यान दीजिएगा आप कहेंगे कि सर वाई का गुणा कर दीजिए तो टू वाई नहीं है इसमें, देखिए वाई स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, थोड़ा ब्रेन लगाते हैं, यहाँ देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में टू वाई था, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर का टू एक्स इसका वन अपॉन वाई का माइनस वन अपॉन वाई इसका डी डी एक्स ऑफ वाई, एग्जाम में बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि वहाँ देखिए यहाँ देखिए इधर वाई स्क्वायर आएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ध्यान दीजिए वन अपॉन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई,
अब देखिए वन अपान वाई का क्या, वन अपान एक्स का क्या बड़े थे, रीड एक बटे एक्स स्क्वायर थी, वन अपान वाई का माइनस वन अपान वाई स्क्वायर, वाई का एक्स साफ है डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर बुलाते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वन अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर टू एक्स। बहुत ध्यान देना इस पर, ये हो जाएगा वन प्लस वन अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई टू एक्स। देखिए वही चीज़ आ रही है, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वन अपान वाई स्क्वायर, हमेशा वाई स्क्वायर प्लस वन उसमें भी मना था, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई जब दूसरे टाइप को बताए थे, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वन। इस तरह बहुत ध्यान रखना, यहाँ देखिए वन अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसका मतलब इस तरीके से करना, अगर टू वाई होता तो देखिए वाई का गुणा करते, यहाँ देखिए टू वाई होता, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई होता यहाँ। देखिए बच्चों y बराबर ए एक्स की पावर ए एक्स की पावर ए एक्स की पावर ए एक्स अप टू इनफाइनाइट, डी डी एक्स ऑफ y लाना है, y स्क्वायर अपॉन x इन ब्रैकेट 1 माइनस y log ए एक्स। ध्यान दीजिएगा अगर y की मान क्या है, ए एक्स की पावर ए एक्स की पावर ए एक्स की पावर ए एक्स अप टू इनफाइनाइट, यहां तक रोकी क्या होगा, देखो ए एक्स की पावर ए एक्स की पावर ए एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी y, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर लिख सकते हैं ए एक्स की पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि अभी y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए फिर यही चीज आ जाएगी। अब दोनों बच्चों में लॉग लेते हैं, लॉग y बराबर लॉग ए एक्स की पावर y, और y पहले आ जाएगा लॉग y बराबर y लॉग ए एक्स, राइट y लॉग ए एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, लॉग y का वन अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, अब यहाँ देखिए y इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स का देखिए कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिएगा दिमाग लगाइएगा, इसको इधर बुला लेते हैं, वन अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लॉग ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ हो जाएगा वाई लॉग ए एक्स में एक्स को टी मानेंगे, वन अपान ए एक्स और ए एक्स का पुनः करेंगे ए, वैसे भी लॉग ए एक्स को लॉग ए प्लस लॉग एक्स लिख सकते हैं, तो लॉग ए का जीरो लॉग एक्स का वन, लॉग ए एक्स का वन अपान एक्स होता ही, ए से कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए वन अपान वाई माइनस लॉग ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यहां आ गया वाई अपान एक्स, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस वाई लॉग ए एक्स अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई वाई अपान एक्स, चलिए गुणा कर देते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स वन माइनस वाई लॉग ए एक्स। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, y बराबर x की पावर y log ले लिए, तो y log a x प्रोडक्ट रूल लगाए, y ddx ऑफ log a x प्लस log a x ddx ऑफ y, log a x का होगा बच्चों a x को t माने 1 अपॉन a x, a x का पुनः a, a से कैंसिल y अपॉन x, इधर lcm ले ली y 1 माइनस y log a x, तो 3 ये गुणा हो गया, तो y स्क्वायर अपॉन x इन ब्रैकेट 1 माइनस y log a x।